आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। मेरठ जिले के सरधना तहसील के ग्राम रारधना में सरकारी नाला दबंगों द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया है। यूनिवर्सल न्यूज को ग्राम निवासी संजय सिंह ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से उनके प्लॉट के बराबर से सरकारी पक्का नाला जा रहा था। कुछ दिनों पहले ग्राम के निवासी हैं सुमित और अमित ने ग्राम प्रधान के साथ मिलकर उसको तोड़ दिया और उसकी जगह नाला संजय सिंह के प्लॉट से निकालने लगे। इसकी शिकायत जब संजय सिंह ने SDM सरधना से की तो उन्होंने उसे तत्काल रोकने के आदेश दिए। इसके बावजूद दबंगों ने काम नहीं रोका और संजय सिंह को धमकी दी कि शासन और प्रशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तुझे जो करना है वो कर ले। इसके बाद संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने डायल 100 पर फोन कर सारा मामला बताया तो पुलिस ने दबंगों से काम बंद करवा दिया। पुलिस के जाते ही ग्राम प्रधान की सहायता से फिर काम चालू कर दिया गया। इस बारे में SDM सरधना से बात की तो उन्होंने बताया कि जांच चल रही है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कैमरे के सामने उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। यूनिवर्सल न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।